पूरे प्रदेश में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित अन्य नेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे लोग शुक्रवार को अभनपुर पहुंचे, जहां आम सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर हमला बोला। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कल पीएम मोदी कांकेर आए थे और कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास नहीं हो रहा है, कांग्रेस और विकास का 36 का आंकड़ा है। बताएं कैसा दिखता है विकास, उन्हें आम लोगों का विकास नहीं दिखता, इन्हें सिर्फ अडानी का विकास दिखता है। हम अडानी को खदाने और नगरनार स्टील प्लांट नहीं देते, इसलिए वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में विकास नहीं हो रहा है। अगर हम खदाने और नगरनार स्टील प्लांट अडानी को देंगे तभी विकास होगा। अभी प्रधानमंत्री जी काली आ रही सिर कांकेर में वो कहते विकास नहीं हुए, कांग्रेस और विकास के 36 के आंकड़ा है। अब बोल विकास कैसी दिखी, यदि किसान के खाता में हमन हर 3 महीना में पैसा डाला था बोला वो विकास दिखत नहीं, मजदूर के खाता में 3 महीना में पैसा डाला था बोला दिखत नहीं है, गौपालक मन के खाता में गोबर बेचते एकर मन के हर 15 दिन पैसा डाला था बोल दिखत नहीं है, हर महीना बेरोजगार मतलब बेरोजगारी भत्ता देव थन बोल दिखत नहीं है, हमन हॉस्पिटल खोलेन बोल दिखत नहीं है, हमन अंग्रेजी स्कूल खोलेन। दूसर के विकास दिखबे नहीं करे, गरीब उरी छोटे मोटे आदमी के विकास बोल दिखबे नहीं करे, ओकर जरूरत को समझ ही नहीं आए, वो सीधा अडानी विकास होते कि नहीं होते। काबर की छत्तीसगढ़ में जिन खदान है, लोहा खदान कोयला खदान सब अडानी दे थे और ओकर में रोड़ा के रूप में कांग्रेस के सरकार बैठे, वो खदान ला नहीं देन दन, नगर नार स्टील प्लांट ला नहीं देन दन, कोयला खदान ला बोल नहीं देन दे थे अडानी ला, ते पाए कहा थे कि छत्तीसगढ़ में विकास नहीं होते, अडानी सब खदान और नगर नार के स्टील प्लांट चल रही ना तो विकास बहुत हो जाएगी। बीजेपी में जेल आरएसएस का कोई गया है, अब आज बैठ के बगैर मेहनत करके हुकूमत कर रहे हो और फुकट का खा रहे हो, और ये लोग हमको सबक सिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी 70 साल में कुछ नहीं किया, 70 साल में हम कुछ नहीं करते तो मोदी जी आप प्रधानमंत्री नहीं बनते थे, शाह साहब आप होम मिनिस्टर नहीं बनते थे, हमने किया इस देश के संविधान को बचाया इसलिए आपने उस कुर्सी पे बैठा है, लोकतंत्र को हमने बचाया इसलिए वहां पर आप बैठे हैं।